और भाई लोग, क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए हाउस इज नॉट ए होम चैप्टर के बारे में। हाउस और होम में क्या डिफरेंस है आज हमें ये पता चलेगा। देखो सीधा सा मतलब है, मकान ईंटों से बनता है और घर परिवार से। इस चैप्टर में हम ऐसी ही एक कहानी पढ़ने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। देखो इस चैप्टर की जो ऑथर है ना, वो एक फीमेल है, लेकिन उन्होंने एक यंग बॉय को अपने माइंड में इमेजिन करके इस स्टोरी को लिखा है। तो तुम ये मान लो कि ऑथर जो है वो एक छोटा बच्चा है अभी। हालांकि वो एक फीमेल है, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया कि उन्होंने अपने माइंड में एक यंग बॉय को इमेजिन करके इस स्टोरी को लिखा है, तो इस बात का तुम ध्यान रखना। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऑथर को ये बात कब समझ में आती है कि जो मकान है वो बस ईंटों से बनता है और एक घर जो है वो परिवार से बनता है, उस प्यार भरे रिश्ते से बनता है। मैंने अपनी लाइफ में भी ऐसे बहुत से बंगले, ऐसे बहुत से घर देखे हैं जो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उन घर के लोगों में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते। खैर ये सब बातें छोड़ो और चलो कहानी को शुरू करते हैं। ऑथर का हाई स्कूल में पहला साल था और वो बताते हैं कि हाई स्कूल में उनका पहला साल बहुत ही बेतुका सा लगा, क्योंकि जो जूनियर हाई स्कूल है उसमें वो अपने क्लास के हेड थे, सीनियर थे और उनको सारी रिस्पेक्ट मिलती थी। लेकिन इस नए हाई स्कूल में उनको सब चीज अब वापस से शुरू करना था। जूनियर हाई स्कूल में उनके टीचर्स उनको अच्छे से जानते थे, उनके क्लोज फ्रेंड्स थे, लेकिन अब इस नए हाई स्कूल में उनको कोई नहीं जानता है, ना ही उनका कोई दोस्त है और ना ही कोई टीचर उनको अच्छे से पहचानता है। इसीलिए उनको इस हाई स्कूल में बहुत ही अजीब लग रहा है। और ये बात तुम बहुत ही अच्छे से महसूस करते हो अगर तुमने कोई पुराना स्कूल छोड़ के नए स्कूल में गए हो। तो मैं भी जब अपने क्लास 10th में था तो मुझे अपना पुराना स्कूल छोड़ के नए स्कूल में जाना पड़ा और वहां मुझे नए फ्रेंड बनाने में, टीचर से मिलने में बहुत ही वक्त लगा। और वो फीलिंग क्या होती है वो मैं समझ सकता हूँ। हालांकि जो उनका नया स्कूल था वो उनके पुराने स्कूल से दोगुना भरा था, लेकिन सबसे खराब चीज ये थी कि जो भी उनके क्लोज फ्रेंड्स थे ना, वो सब दूसरे हाई स्कूल में भेजे गए थे। वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहे थे। जब भी उनको उनके पुराने टीचर्स की याद आती या फिर दोस्तों की याद आती तो वो उनसे मिलने उनके घर चले जाते और वो लोग ऑथर को नए स्कूल के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए इनकरेज करते, प्रोत्साहित करते कि तुम इस नए हाई स्कूल के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो ताकि तुम लोगों से मिलो और तुम्हारे कोई दोस्त बन जाएं। वो ऑथर को इस बात का भी एहसास दिलाते कि समय के साथ सब चीज ठीक हो जाएगा, तुम्हारे नए दोस्त बन जाएंगे और तुम पुराने स्कूल से ज्यादा अधिक अपने नए स्कूल को चाहने लगोगे, और वादा करो कि जब ऐसा हो जाए तो तुम हमसे मिलने जरूर आते रहोगे, हमें बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। हालांकि ऑथर को ये बात समझ में आ रही थी कि वो लोग बस मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब सुनकर उनको एक राहत सी मिलती। मुझे हाई स्कूल को स्टार्ट किए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन रविवार की दोपहर को मैं अपने डाइनिंग रूम पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। वो पतझड़ का एक ठंडा हवादार दिन था। हमने आग जलाने वाली जगह पर आग जला रखा था और हमेशा की तरह मेरी चितकबरी बिल्ली ऊपर मेरे कागजों पर बैठी हुई थी और सुनहरी आवाज निकाल रही थी, और वो मेरे कलम के ढक्कन के साथ खेल रही थी। वो मुझसे कभी भी दूर नहीं रहती। जब वो एक छोटी सी बिल्ली की बच्ची थी तो मैंने उसे बचाया था, और किसी न किसी तरीके से वो जानती थी कि उसकी अच्छी जिंदगी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसीलिए उसको मुझसे बहुत ही ज्यादा लगाव था और मुझे भी। मेरी माँ उस आग में ईंधन डाल रही थी ताकि घर अच्छे से गर्म हो सके। अचानक मुझे एक अजीब सी सुगंध आई, फिर मैंने छत की जोरों से धुएं को निकलते हुए देखा। धुएं कमरे में इतनी जल्दी भर गया कि हम बड़ी मुश्किल से किसी को देख पा रहे थे। अंधेरे में दरवाजे को टटोलने पर हम सब आंगन में भाग गए। जब तक हम लोग घर से बाहर निकलते, छत को आग की लपटों ने पूरी तरह से निगल लिया था। आग की लपेटें बढ़ती जा रही थी। मैं पड़ोसियों के यहाँ भागता हुआ गया ताकि फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकूं और उन्हें बुला सकूं, जबकि मैंने देखा कि मेरी माँ वापस से घर के अंदर चली गई। अंदर से मेरी माँ एक छोटा सा मेटल का बॉक्स लेके आई जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, और घबराहट में उसने उस बक्से को वहीं घास पर छोड़ दिया और फिर से अंदर भागी। मैं जानता था कि वो अंदर वापस क्यों भागी है। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पिता का देहांत हो गया था और मुझे पक्का विश्वास था कि वो मेरे पिता के चित्र तथा पत्रों को आग की लपटों से जलने से बचा लेगी। मेरे पिता को याद रखने की केवल वही एक चीज थी, लेकिन फिर भी मैं चिल्लाया, माँ नहीं! मैं अपने माँ के पीछे जाने ही वाला था कि एक बड़े से हाथ ने मुझे पकड़ लिया। यह एक फायर डिपार्टमेंट का व्यक्ति था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कब पूरी गलियां फायर ट्रक से भर गई थी। मैंने अपने आप को उनके पकड़ से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, यह चिल्लाते हुए कि आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी माँ अंदर है। लेकिन उन्होंने मुझे पकड़े रखा और वो ये भली भांति जानते थे कि मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। यदि अगर वो मुझे छोड़ देते तो मैं घर के अंदर भाग जाता। फायर डिपार्टमेंट से ही एक दूसरा व्यक्ति घर के अंदर भागता है और कहता है, सब ठीक है, सब ठीक है, मैं उन्हें ले आऊंगा, उसने घर के अंदर से चिल्लाते हुए कहा। उन लोगों ने मुझे कंबल से लपेटा और कार में बैठा दिया। जल्द ही उन लोगों ने मेरी माँ को घसीटते हुए घर से बाहर निकाला और उसे जल्दी से जल्दी वाहन में लाकर एक ऑक्सीजन का मुखौटा पहना दिया। मैं भागता हुआ गया और माँ के गले लग गया। उन्हें खोने की डर में आज तक मेरी माँ ने मुझे जितना भी डांटा या पीटा, ये सारी चीजें मैं भूल चुका था।
बात यार एकदम सही है, भले हमारी माँ हमें कितना भी डांटे पीटे या कुछ भी करे, लेकिन हम उनसे बहुत ही प्यार करते हैं। उन पे थोड़ी सी भी मुसीबत आ जाए तो हम लोग वो सारी चीजें भूल जाते हैं जो अब तक उन्होंने हमारे साथ किया, और यहाँ भी यही हो रहा है। वो ठीक होने जा रही हैं, एक फायरमैन ने कहा। उन्होंने बस थोड़ा सा धुआं सांस से अंदर ले लिया है। ये कहते हुए वो आग को बुझाने अंदर चले गए, जबकि मैं और मेरी माँ भौचक के वहां पर देखते रहे। मुझे आज भी याद है कि मैं किस तरह से अपने घर को जलता हुआ देख रहा था, इस सोच में कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। 5 घंटे बाद आखिरकार आग बुझ गई, मेरा घर लगभग जल चुका था। तभी मुझे अचानक से याद आया कि मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा है। मेरी बिल्ली कहाँ है? खौफ से कांपते हुए मैंने ये महसूस किया कि वो कहीं नहीं थी। तब एकदम से मुझे याद आया, नया स्कूल, आग, बिल्ली। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं बहुत बड़ा नुकसान सह रहा था। देखो यार, वो उतना नुकसान इसलिए झेल रहा था क्योंकि यार उसने ऑलरेडी अपना पुराना स्कूल खो चुका है, नए स्कूल की जो समस्या है वो अलग है, और अब आग से उसका घर जल चुका है, इसकी समस्या अलग है, और अंत में जिस बिल्ली से उसे इतना लगाव था वो बिल्ली भी जा चुकी है। मतलब एक के बाद एक मुसीबत उसके जीवन में आती जा रही थी। उस रात फायर डिपार्टमेंट के लोग हमें घर के अंदर वापस जाने नहीं दे रहे थे। जिंदा या मुर्दा मैं अपनी बिल्ली के बारे में जाने बिना वहां से जाने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए हमें वहां से जाना ही पड़ा। पहने हुए कुछ कपड़े तथा फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने जो हमें कंबल दिया था उसके साथ हम कार में ढेर हो गए, और रात बिताने के लिए हमें अपने दादाजी के घर जाना पड़ा। अगले दिन सोमवार को मैं स्कूल गया। जब आग लगी तो उस समय मैंने वही कपड़े पहन रखे थे जो सुबह चर्च जाने समय पहने थे, पर जूते नहीं थे। उसे मैंने होमवर्क करते समय मार कर दूर फेंक दिया था और वो आग की लपटों में जलकर राख हो गई। मुझे अपनी अंटी से उनके टेनिस के जूते उधार मांगने पड़े। मैं स्कूल जाने की बजाय घर पे क्यों नहीं रुक सकता? मैंने अपनी माँ से ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं इन सब चीजों से बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मेरे कपड़े जले हुए दिख रहे थे और न तो मेरे पास किताब थी और न ही मेरा होमवर्क। वो सब मेरे स्कूल बैग के साथ आग में ढेर हो गए। मेरा पूरा जीवन उस स्कूल बैग में था। ऑब्वियसली बात है, एक स्टूडेंट का सारा चीज उसके स्कूल बैग में ही होता है। मैं जितना अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था उतना ही खराब होता जा रहा था। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है, एक छोटे से घोड़े की तरह हांके जाना? उस वक्त मुझे बस यही लग रहा था। मैं बड़ा होना, बदलना अथवा इस तरह से अपने जीवन को चलाना बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं बस यह चाह रहा था कि किसी भी तरह से सिमट कर मर जाऊं। मैं स्कूल के इर्द गिर्द एक जॉम्बी की तरह घूमता रहा। सब चीज बहुत ही अजीब लग रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सारी सुरक्षा जो मुझे उपलब्ध थी, मेरा पुराना स्कूल, मेरे दोस्त, मेरा मकान, मेरी बिल्ली, वो सब के सब एक एक करके मुझसे छीने जा रहे थे। उस दिन स्कूल के बाद मैं उस मकान को देखने गया जो कभी मेरा हुआ करता था, तो मुझे जितनी हानि हुई है उसे देखकर सदमा पहुंचा। जो चीज जली नहीं वो पानी और केमिकल से खराब हो चुकी थी जो फायर डिपार्टमेंट ने आग को बुझाने में इस्तेमाल किया था। जो भौतिक वस्तु नष्ट होने से बच गई थी वो थी फोटो एल्बम, दस्तावेज और कुछ व्यक्तिगत चीज जो मेरी माँ ने एक नाया की तरह बचा लिया था। पर मेरी बिल्ली चली गई थी, जिसके लिए मेरा दिल बहुत दुखता था। शोक मनाने के लिए समय नहीं था। मेरी माँ ने उस घर से जल्द ही मुझे बाहर निकाल लिया। हमें रहने के लिए नई जगह चाहिए थी और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे। हमें मेरे दादा और दादी से कुछ पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि ना तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड था, ना नगद पैसे, और ना ही ऐसी पहचान जिससे हम बैंक में जाकर कुछ पैसे निकलवा सके। सब कुछ आग में नष्ट हो गया था। उस हफ्ते ईंटों के टुकड़े साफ हो रहे थे जिससे कभी हमारा मकान हुआ करता था। यद्यपि हमने पास में ही एक अपार्टमेंट किराए पे ले लिया था, मैं उनको मलबे हटाते हुए देखने जाता था इस आस में कि शायद मेरी बिल्ली मिल जाए। वो चली गई थी और मैं हर वक्त उसके बारे में सोचते रहता था कि किस तरह से जब वो एक छोटी बच्ची थी तो आह भरती थी। जब मैं सुबह सुबह उठता, उसका ध्यान हटाता और बिस्तर हटाता तो वो मेरे पीछे जुड़ जाती, मेरे कपड़े के ऊपर चढ़ जाती और सरक कर मेरी जेब में सो जाती। मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। हमेशा ये लगता है कि बुरी खबर जल्दी फैलती है, और मेरे केस में भी यह कोई अलग नहीं था। हाई स्कूल में टीचर समेत सभी मेरे हालत से वाकिफ थे। मैं शर्म महसूस करता था, जैसे इन सारे कारणों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। नए स्कूल में आरंभ करने का ये क्या तरीका था? सब लोग मुझे इस प्रकार का टेंशन देंगे इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। स्कूल में अगले दिन सब लोग बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहे थे। मैं लॉकर के पास जिम की क्लास के लिए तैयार हो रहा था और लोग मेरे इर्द गिर्द बिना कोई उद्देश्य के घूम रहे थे और मुझे जल्दी करने के लिए कह रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते जो मेरे साथ हुआ उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था वो मुझे जबरदस्ती जिम की क्लास में धकेल रहे हैं।
फिर मैंने देखा एक बड़े से टेबल पर सब तरह की चीजें सजाई हुई है केवल मेरे लिए। उन्होंने खरीद कर स्कूल में काम आने वाले सब तरह की चीजें जैसे बुक्स, कॉपीज और सब तरह के कपड़े, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट, ये सब चीजें सजा रखी थी। ये क्रिसमस की तरह लग रहा था। मैं बहुत इमोशनल हो गया। जो लोग मुझसे बात तक नहीं करते थे वो आज मेरे सामने अपना परिचय देने आ रहे हैं, मुझे अपने घर पर इन्वाइट कर रहे हैं। उनकी मेरे लिए सच्ची चिंता और भावपूर्ण शब्द मुझे प्रभावित कर रहे थे, मेरे दिल को छू गए थे। और उस क्षण आखिरकार मैंने चैन की सांस ली। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि अब सब ठीक होने जा रहा है। उस दिन मैंने अपने मित्र बनाए। एक महीने बाद मैं अपने घर को फिर से बनता हुआ देख रहा था, पर फर्क बस इतना था कि इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ नए स्कूल के दो मित्र थे। अपनी असुरक्षा के भाव पर अपना ध्यान केंद्रित होने से हटाने के लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों से घुलने मिलने के लिए एक आग को लगना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि शायद अगर घर में आग नहीं लगती तो वो अपने नए स्कूल में नए दोस्त नहीं बना पाते, लोगों से मिलजुल नहीं पाते। अब मैं वहां बैठे अपने नए घर को बनता हुआ देख रहा था और ये महसूस कर रहा था कि मेरा जीवन भी वही काम कर रहा है, मतलब मेरे जीवन का भी पुनर्निर्माण हो रहा है। अर्थात नए स्कूल में जाना, फिर से सारे टीचर से संपर्क करना, नए दोस्त बनाना, नई करियर बनाना, वो बॉन्डिंग बनाना, मतलब उसकी स्कूलिंग करियर में भी सब चीज शुरू से स्टार्ट हो रहा था। जैसे एक नए घर का निर्माण होता है वैसे ही उसकी पहचान का भी निर्माण हो रहा था। सारे लोग, टीचर्स उसको धीरे धीरे जानने लगे थे। देखो, जो उसका पुराना स्कूल था ना, उसमें उसको सब चीज बना बनाया मिल रहा था। सारे दोस्त थे, उसकी रेपुटेशन थी, टीचर्स थे, सब चीज थे, बिल्कुल उसके पुराने घर की तरह। उसमें सब चीज ऑलरेडी था, लेकिन जब घर में आग लगी तो उसे नया घर बनवाना पड़ा। ठीक उसी तरह से जब उसका पुराना स्कूल छूट गया तो नए स्कूल में उसको शुरू से सब चीज शुरू करना पड़ा। जब हम रुकावट पर बैठे मेरे नए बेडरूम के कमरों की रूपरेखा बनते हुए देख रहे थे, तब मैंने पीछे से किसी को आते हुए और यह कहते हुए सुना, क्या ये आपका है? जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। एक औरत मेरी बिल्ली को लिए खड़ी थी। मैं उछला और झपट कर उसको अपनी बाहों में ले लिया। मैंने उसे अपने पास पकड़ा और उसे पकड़ कर रोने लगा। उसने प्रशंसा से आवाज की और मेरे मित्र ने मुझे तथा मेरी बिल्ली को चारों ओर से घेर लिया और उछल कूद करने लगे। यह स्पष्ट था कि मेरी बिल्ली आग से डर कर एक मील दूर भाग गई। उसके गले की पट्टी पर हमारा फोन नंबर लिखा था, लेकिन हमारे सारे फोन आग में नष्ट हो गए थे। फिर भी किसी तरह से उस अद्भुत औरत ने हमें खोज निकाला। किसी तरह से उस औरत को यह पता चल गया था कि उस बिल्ली को बहुत प्यार मिला है और वो अपने मालिक को मिस कर रही है। जब मैं अपने मित्रों और मेरे गोद में कुंडली मारकर बैठी मेरी बिल्ली के साथ बैठा था तो हानि तथा शौकांत की अति प्रबल भाव घटती हुई लगी। मैं जीवन का, अपने नए मित्रों का, अजनबी की दयालुता का और अपनी प्यारी बिल्ली की प्रसन्नता भरी आवाज को महसूस कर रहा था। मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी, मतलब पुराने स्कूल में जैसा वो था ना, वो वापस से वैसा बन गया। एक बात तो क्लियर है यार, भले ही परेशानी कितनी भी आ जाए हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। कभी भी हिम्मत मत हारो, भले ही तुम्हें शुरू से शुरुआत ही क्यों ना करनी पड़े। इस कहानी से हमें एक बहुत ही गहरा मतलब समझने को मिल रहा है। पहला तो ये कि जब हम एक नए स्कूल में जाते हैं तो हमें कैसा फील होता है, और दूसरा ये कि लाइफ में हर चीज किसी न किसी एक मकसद से होती है। ऑथर का घर जलना शायद उनके नए स्कूल में उनकी मदद करने का मकसद था। वो अपने नए स्कूल में दोस्त नहीं बना पा रहे थे, टीचर से घुल मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन आग लगने से सब चीजें तहस नहस हो गई और उनके अंदर से वो शर्मिंदगी चली गई कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पुराने स्कूल में तो मैं इस लेवल का था और इस स्कूल में कुछ भी नहीं हूँ। ये सारे थॉट्स चले गए क्योंकि उनको पता था कि अब तो मेरा घर ही चला गया तो ये सब चीज़ रख के मैं क्या करूंगा। और फिर जब धीरे धीरे उनका नया घर बना तो धीरे धीरे उनके नए दोस्त भी बने और फिर धीरे धीरे सब चीज नॉर्मल हो गया। देखो यार, कभी कभी क्या होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि मेरे पास तो इतनी सारी चीजें थी तो मैं शुरू से शुरुआत क्यों करूं और कैसे करूं, हमें ये समझ में ही नहीं आता है। तुमको ना शुरू से सब चीज स्टार्ट करने में ना बहुत ही तकलीफ आएगी। जैसे कि तुम्हारे पापा ने तुमको कई बार टोका होगा कि तू अपनी राइटिंग सुधार ले, तेरी राइटिंग बहुत खराब है, डेली एक पेज लिख, और उस समय तुम ये सोचते हो कि अब मैं डेली एक पेज लिखूं राइटिंग सुधारने के लिए, जो कि हम कभी नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है ये टाइम वेस्ट है, इससे अच्छा तो मैं अगर थोड़ा पढ़ लूंगा तो ज्यादा मार्क्स ले आऊंगा। लेकिन खुदा ना खास्ता मान लो कि कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें तुमको स्कूल छोड़ना पड़ गया, तो अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई काम तो है नहीं, तुम ये नहीं सोचोगे कि अब तो यार लाना है स्कूल में मार्क्स अच्छे तो पढ़ लेता हूं थोड़ा। अब तुम बस चुपचाप बैठ कर कुछ ना कुछ लिखोगे और लिखते लिखते क्या होगा कि तुम्हारी राइटिंग सुधर जाएगी। मतलब जब हम स्कूल जाते थे तो उस समय हम इसलिए नहीं लिख पाते थे क्योंकि हमें ज्यादा मार्क्स लाना था, तो हम ये सोचते थे कि एक घंटे राइटिंग लिखने से अच्छा है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं एक घंटे पढ़ लूं। लेकिन अब जब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें स्कूल जाना ही नहीं है, कोई मार्क्स की टेंशन ही नहीं है, तो अब हम बैठकर कुछ लिख रहे हैं और इससे हमारी राइटिंग सुधर रही है।
मुझे नहीं पता यार तुम्हें कितनी समझ में आई मेरी बात, बट ठीक है यार चैप्टर तो समझ में आ गया ना, चिल करो। चलो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम मुझे यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे आओ मुझसे बातें करो, ठीक है। चलो बाय बाय।